स्वागत है फिर आपका हमारे YouTube चैनल अमन लाइफ साइंस एकेडमी पे। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज अमन और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड का पार्ट टू, जिसमें हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की जो भी डेरिवेटिव्स हैं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इनका। पिछली बार CSIR-NET में, जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये बहुत सारा डेरिवेटिव के बारे में और बहुत रिपीटेडली पूछ रहा है पिछले कुछ बार से न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, मैच द कॉलम वगैरह में CSIR-NET में ये क्वेश्चन आ जाता है और ये गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। तो न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव में जो हम लोग देखेंगे उसमें होगा कि वेराइटीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव आर फाउंड इन सेलुलर एनवायरनमेंट्स। हमारे सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म वगैरह में बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव हमको ऐसे भी देखने को मिलता है। आप बहुत सारा ऐसा, जब हम आपको नाम बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव ही है। अब कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव्स सर्व्स वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज सिग्नल ट्रांसडक्शन, एंटी ट्यूमर एजेंट, रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंजाइम इनहिबिटर। तो ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव्स जो हैं, जो भी न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव्स हैं, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन हो गया, एंटी ट्यूमर एजेंट हो गया, रेट्रोवायरल ड्रग्स हो गया या एंजाइम इनहिबिटर्स हो गए। ये सारे के सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं, ये न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं। दीज डेरिवेटिव फॉर्म्ड बाय स्लाइट मॉडिफिकेशन इन न्यूक्लियोटाइड। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही स्लाइट मॉडिफिकेशन अगर हम न्यूक्लियोटाइड में कर देते हैं तो ये इन डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव जो है वो, उसमें हम लोग जो पहला देखेंगे वो होगा आपको एडिनोसिन के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं। जैसा कि आप बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ATP हो गया, जो कि प्रिंसिपल और इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का। दूसरा हो गया साइक्लिक एएमपी, जो आप जानते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम करता है, जैसे कि आयन चैनल्स जो होता है उनको ओपन करता है, उस दौरान ये काम आता है। जैसे ओडर, स्मेल वगैरह के, जो हम लोग जो सिग्नल हमारे अंदर जाता है स्मेल वाले रिसेप्टर पे, जब स्मेल मॉलिक्यूल जो बाइंड होता है, तो उसके बाद जो साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर्स जो होता है वो आयन चैनल्स को ओपन करता है, तो उस दौरान, या प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन भी करता है साइक्लिक एएमपी। साथ ही साथ एस एडिनोसिन मिथियोनिन, ये एस एडिनोसिन मिथियोनिन कॉज क्या करता है आप जानते ही हैं कि ये डीएनए का मिथाइलेशन करता है। अब उसके बाद FAD, FMN है, ये फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनोइन डाइन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये एक तरह का कोएंजाइम है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन में आपको हेल्प करता है, रेडॉक्स रिएक्शन करवाता है। अब NAD+ या NADP, ये एक निकोटीन कंटेनिंग कोएंजाइम है जो कि ये भी रेडॉक्स रिएक्शन करवाता है। उसके बाद आता है ग्वानिन डेरिवेटिव में साइक्लिक GMP, जैसे कि उसमें साइक्लिक AMP था, वो ओडोर चैनल, ओडोर मतलब ये स्मेल वाले चैनल को ओपन कर रहा था। यहाँ पे ये जो है फोटो रिसेप्टर्स को रेगुलेट करता है, ये फोटो रिसेप्टर्स को ओपन कराता है और ये ऑल्सो एंटागोनिस्ट इफेक्ट है इसका, साइक्लिक AMP का एंटागोनिस्ट इफेक्ट भी है इसका। अब हम जो देखेंगे ये ग्वानिन डेरिवेटिव्स जो हैं वो कैनसाइक्लोविर हो गया, वेलनजिक्लोविर हो गया या पेनसाइक्लोविर हो गया, ये एक्टिव एजेंट है, एक्टिव है अगेंस्ट साइटोमेगालोवायरस। ये CMV रेटिनाइटिस वाले पेशेंट्स वगैरह में मिलता है, या दूसरा आप एग्जांपल के रूप में देखें 7-methylguanosine, जो कि आप जानते हैं कैपिंग के दौरान पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जब हम करते हैं तो ये कैपिंग में काम आता है। और साथ ही साथ ये मे भी इंडिकेटर है सम टाइप ऑफ कैंसर, जैसे कि जब पेशेंट्स वगैरह में, जब यूरिन में अगर 7-methylguanosine अगर आपको मिलने लगे तो वो समझिए कि किसी न किसी टाइप का वो कैंसर कॉज कर सकता है। अब जो आगे जो है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये इस बार या पिछले कुछ बार से जो आपको CSIR-NET वगैरह में बहुत पूछ रहा है, ये है सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। ये न्यूक्लियोटाइड का एनालॉग जो है, सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग जो है, ये बहुत सारा सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है जो कि ट्रीटमेंट के लिए मतलब आपको, चाहे वो HIV के ट्रीटमेंट के लिए हो या कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए हो या कुछ किसी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए हो,
ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें है सिंथेटिक एनालॉग में अगर हम आपको देखें तो ये 6-मर्केप्टोप्यूरिन जो है, ये आपको बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीएसआर नेट का, ये 6-मर्केप्टोप्यूरिन हो गया या 5-फ्लोरोयुरासिल, ये 2019 का क्वेश्चन या जून 2019 का क्वेश्चन है, ये मैच द कॉलम में आया था। फिर 5-आयोडो-2'-डाइऑक्सीयूरिडीन है या 6-थायोगुआनिन है, ये सारे के सारे जो हैं, ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड एनालॉग हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स आर एनालॉग यूज्ड इन एंटी ट्यूमर एजेंट के रूप में ये यूज होते हैं, विच ब्लॉक डीएनए सिंथेसिस एंड किल ट्यूमर सेल्स। ये डीएनए मेनली जो क्या होता है कि ये ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं, लेकिन ये कैसे करते हैं ये समझिए। इसमें होता क्या है कि ये जब ट्यूमर सेल रैपिड ग्रो करता है तो वो अपने सेल को डिवाइड करता है बहुत रैपिडली, जब रैपिडली डिवाइड करता है तो वो एस फेज, जो सेल डिवीजन का जो एस फेज होता है उसमें डीएनए का डबलिंग भी होता है या रेप्लिकेशन भी होता है, तो उस समय डीएनए के रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देता है, यानी कि डीएनए सिंथेसिस को रोक देता है, एस फेज में डीएनए सिंथेसिस जो होता है वो कहीं ना कहीं उसको रोक देता है, और रोकने के बाद उस ट्यूमर सेल को वो किल कर देता है। अब है एजाइडोथाइमिडीन एजीडी, बहुत ही फेमस एग्जांपल है एजाइडोथाइमिडीन एजीडी या डाइडियोक्सी आयनोसिन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत बार सुने होंगे, तो ये थायमिन डेरिवेटिव है, थायमिन से डिराइव्ड है, ये आयनोसिन से डिराइव्ड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटीवायरल एजेंट्स हैं और इंटरफेयर करते हैं रेप्लिकेशन में ऑफ एच आई वी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो होता है उसके रेप्लिकेशन को भी, ये दो ड्रग जो हैं वो बड़ा ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं एच आई वी के ट्रीटमेंट में, और आप बहुत बार ये सीएसआर में पूछा भी गया है कैंसर से कोरिलेट करके, या आपको एचआईवी से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछता है। फिर आता है एलोप्यूरिनॉल, जो आप एंजाइम इनहिबिशन जब आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ाएंगे हम तो आपको बताएंगे, एलोप्यूरिनॉल जो होता है ये एक तरह के एंजाइम इनहिबिटर है, जो कि क्या करता है, जेंथिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है, जेंथिन ऑक्सीडेज वो उसको इनहिबिट करता है, और ये प्यूरिन एनालॉग है, ये एक तरह का क्या है, प्यूरिन एनालॉग है, और मेनली ये यूज होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ये जेंथिन ऑक्सीडेज जो क्या होता है कि इस एंजाइम को ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और मेनली ये जो गाउट के समय जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो उन क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन को रोकता है। अब जो आपको आता है कि मेनली जो माइनर बेसिस कुछ होते हैं डीएनए के, कुछ माइनर बेसिस होते हैं, कुछ टीआरएनए के माइनर बेसिस होते हैं वो हम देखेंगे, तो जो माइनर बेसिस में पहला बेस जो हम लोग देख रहे हैं वो होगा 5-मिथाइल साइटिडीन। ये 5-मिथाइल साइटिडीन में हम लोग जो देख रहे हैं वो मिथाइल के 5th पोजीशन पे जब साइटोसिन ग्रुप लग जाता है तो ये एक साइटोसिन का डेरिवेटिव आ जाता है, ये माइनर बेस है एक तरह से डीएनए का। वैसे ही N6-मिथाइल एडिनोसिन है, एडिनोसिन के 6th पोजीशन पे जो एमिनो ग्रुप होता है उसके ऊपर आके एक मिथाइल ग्रुप जब ऐड होता है तो वो N6-मिथाइल एडिनोसिन हो जाता है, ये भी एक तरह का डेरिवेटिव ही है, या माइनर बेस कहें या डेरिवेटिव कहें, ये माइनर बेस के रूप में कई बार डीएनए के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, N2-मिथाइल गुआनोसिन है, ये गुआनोसिन का डेरिवेटिव है, जो कि सेकेंड पोजीशन पे जो एमिनो ग्रुप होता है उसके साथ मिथाइल ग्रुप लग जाता है आके। फिर उसके बाद आता है 5-हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटिडीन, ये साइटिडीन के ऊपर जो 5th पोजीशन पे मिथाइल और OH ग्रुप लग जाता है, तो ये सारे के सारे ये जो हैं ये पूरे के पूरे क्या हैं, डीएनए के माइनर बेसेज हैं। अब ये जितने भी हैं ये टीआरएनए के माइनर बेसेज हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये टीआरएनए के माइनर बेसेज हैं, जिसमें आता है आयनोसिन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्यूडो यूरिडीन ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 7-मिथाइल गुआनोसिन आप जानते ही हैं, 4-थायो यूरिडीन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे टीआरएनए में बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, आयनोसिन भी मिलता है अगर आप देखिएगा टीआरएनए का स्ट्रक्चर। तो उसके साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और एग्जाम्पल है डीएमिनेशन, डीएमिनेशन आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा आपको न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह में, जैसे कि साइटोसिन का डीएमिनेशन हो जाएगा तो वो यूरासिल बन जाएगा, साइटोसिन के डीएमिनेशन से क्या बनेगा, यूरासिल बन जाएगा, 5-मिथाइल साइटोसिन का जब डीएमिनेशन होगा तो वो थायमिन बन जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक जगह पे क्या है, यहाँ से NH2 ग्रुप निकल रहा है
और वो यहाँ पे OH ग्रुप ऑक्सो ग्रुप ऐड हो जा रहा है। वैसे ही एडिनिन का जो डीएमिनेशन, जब डीएमिनेशन होगा तो वो हाइपोजेंथिन बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट में कई बार आ जाता है। उसके वैसे ही गुआनिन का जब डीएमिनेशन होता है तो वो जेंथिन बन जाता है। बहुत ही ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिएगा, कुछ नहीं है, बहुत छोटा छोटा अंतर है। तो ये सारा का सारा आपको